हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेट टेक्निकल लर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसे आप बहुत सारा पेटीएम का सर्विस कैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑनलाइन वोटर आईडी सर्विस। स्क्रीन पर आपको उसका लोगो दिख रहा होगा। आप सिंपली मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको रेफरल कोड मिल जाएगा जो साइनअप के वक्त बहुत जरूरी होता है। बिना रेफरल कोड के आप इस पर ज्वाइन नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके साथ कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेंगे और कुछ अलाउ कर देंगे। तो अलाउ कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर नीचे जो रजिस्ट्रेशन का बटन है, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डेटा पासवर्ड, रेफरल कोड देना है। तो सर, रेफरल कोड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैं आप सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बिना रेफरल कोड के आप इस पर ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें जो है फिलअप कर लेता हूँ और आपको लॉगिन होकर बताता हूँ कि इसको और कैसे करना है और पेटीएम फीचर कैसे ऑन करना है। तो जैसे सिंपली दोस्तों, जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा। आपको सिंपली इस ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। तो मैं फटाफट से ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, ओटीपी वेरीफाई कर लेने के बाद ये थोड़ी लोडिंग लेना है। वेट कर लेते हैं जब तक ये ओटीपी वेरीफाई कर लेता है। तो सिंपली दोस्तों, ओटीपी वेरीफाई कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है टू टास्क पे। टू टास्क पे जाने के बाद आप सिंपली देखेंगे यहाँ पर आपको चार टास्क दिए गए हैं। आपको जो है हर एक टास्क को जो है कम्प्लीट करना है। तो मैं टास्क वन फर्स्ट ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सिंपली दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे नंबर यानी कि जो इंजेक्शन किए गए हैं। तो आपको इंजेक्शन कैसे कंप्लीट करना है और लास्ट में आपको एक क्लिक मिला है। तो क्लिक कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको सिंपली इस वन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टाइमर भी फेलो हो चुका है। आपको टाइमर का इंतजार करना है। तो जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाएगी आपको सामने एक फुल स्क्रीन ऐड आ जाएगा। आपको सिंपली ऐड को कट कर देना है। कट करने के बाद आपका जो एक इंजेक्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है टिक मार्क का निशान आ चुका है, यानी कि मेरा जो टास्क वन है वो कंप्लीट, सॉरी इंप्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से जो मैं सारे इंप्रेशन कंप्लीट कर लेता हूँ और अब फिर आपको समझाता हूँ कि क्लिक कैसे कंप्लीट करना है। तो सिंपली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो यहाँ इंप्रेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको क्लिक कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सिर्फ सिंपली क्लिक वाला इंप्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टाइमर का ख़त्म होने तक इंतज़ार करना है। तो टाइम जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाएगी आपके सामने एक ऐड आ जाएगी। आपको सिंपली इस ऐड को कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो ऐड शो हो रही होंगी आपको सिंपली इसी ऐड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऐड जहाँ पर भी खुलेगी, चाहे वो प्ले स्टोर हो या ब्राउज़र पर, आपको सिंपली इस वहीं पर आपको 20 सेकंड तक इंतज़ार करना है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर 20 सेकंड तक इंतज़ार कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों, मेरा यहाँ जो 20 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। तो एक और बात दोस्तों, मुझे जो एक क्लिक मिला था इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया। अगर आपको इंस्टॉल मिला हो तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से 20 सेकंड तक इंतज़ार करना है, वरना आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ क्लिक मिला था इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया है। तो मेरा जो है 20 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बैक चेक कर दिखाता हूँ कि मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो मैं सिंपली बैक चला जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं मेरा जो क्लिक वाला इंप्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप जो है टास्क कंप्लीट करके ढेर सारा पेटीएम कैश, फ्रीचार्ज कैश अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।